Assalamu everyone, Rafid Arji here, and today I have you the versatile and dynamic man with many faces, very talented. Hussein Abbas Haider. और हम जो हैं obviously आप समझ गए होंगे क्यों बैठे हैं और बादशाह बेगम के बारे में बातें करेंगे. तो थैंक यू टीम पीटू. बादशाह बेगम में बेसिकली एक ऐसा शख्स, मैं आपको सही बताऊं तो मेरा एक जिस रोल पे दिल आया था वो इन्होंने किसी और को दे दिया था. तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे जो रिकमेंड किया था मेरा दिल फिर वाकई उस पर आ गया. और इन्होंने बाद में मुझे जब दोबारा से वो ऑफर किया जिस पर मेरा दिल आया था तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया. ये बात मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा कन्फ्यूज हो गई. Yes. So basically, twist, so basically जो किरदार है मेरा वो एक ऐसे शख्स का है जो मुआशरे में कोई तब्दीली लाना चाहता है. एक रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, एक समझदार आदमी है, एक ठहराव वाला आदमी है. और कुछ बहन भाइयों की कुछ एक कहानी है, तो उसमें जो एक ऐसा शख्स जो कि सुधार लाना चाहता है अपनी रवायात में या उनमें तब्दीली देखना चाहता है, कैसे शख्स का किरदार. मेरे किरदार की इंस्पिरेशन ये मेरे सामने बैठी है खुद बजाते खुद. जरा बताएं कैसे. अच्छा, वो कैरेक्टर जो है वो ऑब्वियसली बादशाह बेगम सिबलिंग राइवलरी पे थीम है. तो इनका जो कैरेक्टर है वो ही चीज बाहर से आते हैं, तो ही चीज फॉरन क्वालिफाइड, तो मैं बड़ा उसको रिलेट कर पाता हूँ उससे. मैंने कल ही हम बात कर रहे थे क्योंकि आई कॉन्टेस्टेड ट्वाइस फॉर इलेक्शन. जो मैंने फर्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तो मैं मास्टर्स के लिए बाहर पढ़ा था, मुझे कॉल आई थी कि फॉरन आ जाए वो आपके ना इलेक्शन के आपके पेपर नॉमिनेट करने. और मैं जो हूँ ना 22-23 मैं अपने मास्टर्स के एग्जाम लिख रहा था और मैं फ्लाइट पकड़ के आया. एंड सो आई मीन पॉइंट वॉज कि द कॉन्फ्लिक्ट आई वॉज स्टक इन फॉर दोज 24 आवर्स. मैं इनको बताया गया अरे वही टीम जा रहा है, तो थोड़ा बहुत आई विल बी पासिंग ऑन माय एक्सपीरियंस. अभी तो उससे हम बहुत आगे चले गए, अभी तो 10-15 साल हो गए इस बात को, लेकिन यू नो वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी मुझे और बहुत गाइड कर पाएंगे आप मुझे उस काम में. ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल और बहुत से लोगों का भी है. मोशन की एक जर्नी मैं फॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ. तो आई थिंक स्टार्टेड ऑफ विद नावल मुफराज एंड टू वेदर ड्रामा परफॉर्मेंस. मोशन के साथ कभी काम करने का चांस नहीं मिला था मैंने उस दिन टेलीविजन प्रोडक्शन. आई रियली वांटेड टू वर्क विद समवन हु वुड यू नो एक्सटेंड द मार्जिन ऑफ परफॉर्मेंस. तो एंड ऑब्वियसली जो हमारा बादशाह बेगम का जो सो फार पैकेज बनता जा रहा है विल फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस इन टोटैलिटी. सो आई रीच आउट टू मोशन एंड आई सेड दैट यार आई हैव दिस स्क्रिप्ट एंड यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग टू वेब सीरीज. तो मैंने बोला कि आप पढ़ें और मुझे बताएं. एंड आई प्लेस्ड हिम इन माय माइंड. होता है कि यार लॉक हो जाता है बंदा, यार आई नीड टू वर्क विद दिस पर्सन. तो वो निकल ही नहीं. यू नो आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप बोलते हैं कि दिस इज, आप उस कैरेक्टर की जगह आप उसी को विजुलाइज कर रहे होते हैं. सो दिस इज हाउ इट गॉट इन. एंड मुझे याद है वो हल्की सी वो हमारी जो इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई थी तो इनको मुझे स्क्रिप्ट कोरियर करनी पड़ी थी, वो भी सही तरह नहीं पहुंच पा रही थी. उन्होंने बोला कि सर वो पता नहीं कब पहुंचेगी. मैंने बोला नहीं इंशाल्लाह आपके साथ आ जाएगी. एंड यू रीड द कंटेंट एंड यू गेट बैक टू मी. एंड बिकॉज आई थिंक फॉर एन एक्टर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि कंटेंट कितना अच्छा है, कंटेंट रेलेवेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. एंड वी गॉट बैक एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड टू बी वर्किंग. आई वाज वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट. साजिद गुल साहब ने बहुत अच्छा लिखा है और मैंने कॉल हमारी जो पहली कन्वर्सेशन थी उसमें यही कहा था कि स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं इसका पार्ट खुद बनना चाहूँगा. लेकिन ये मसला मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग ये क्यों पूछते हैं. आपको पता है जब नामुल मुफराद वन हम कर रहे थे ना तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक सहाफी ने भी पूछा था कि आपने इनको क्यों लिया था फिल्म में. अरे भाई मसला क्या है मेरे साथ वो. तो नबील वाज लाइक कि आप जब फिल्म देखेंगे आपको जवाब मिल जाएगा. मसला क्या है क्या. Well, बड़ी बड़ी फिल्मी मूव थी हम दोनों की. ये वीरू भाई हाँ ये था कि क्या बोले. हाँ क्या अब लॉट्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस की तो भरी था जबकि हम कल ही वो डिस्कस कर रहे थे कि यार वो आपको जो पहला किरदार था ना. हाँ तो ऐसे मैंने ट्विस्ट मार दिया इसको. तो कहते क्या मतलब है कभी ऐसे नो जस्ट थिंक बट सो एनीथिंग अनएक्सपेक्टेड. बेसिकली इसका जो आउटफिट है वो राफिर में डिस्कस कर रहे थे जो पहले जो रीसेंट फैशन शोज हुए हैं उनमें से हम चुनना चाह रहे थे कुछ. तो कुछ हमने किए भी हैं उसमें से कैसा ये हो सकता है.
उसमें एक जो अभी पहना था उन्होंने फरियाल में, गरिजवान बेग साहब का रैम पे, वो मुझे अच्छा लगा था। हानिया वाला भी अच्छा था जो रोमियन से आई हो रहा था, कुछ उसके वो बिकनी शॉर्ट्स भी हैं किरदार के, तो ये ना लगा देना। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी जो कपड़े हैं इसके वो हैं लोहे की, जरा बंद पहनता है ये, ठीक है, और नीचे धोती। यार जब प्रोड्यूसर ही इतना नॉन सीरियस है तो कैसे प्रोजेक्ट बनेगा यार। इन द गाउन इज राइट, तो इस तरह का कुछ। और मेकअप की जहाँ तक बात है, राफी बड़ा इंसिस्ट कर रहे हैं लाल लिपस्टिक पे, मुझे वो नहीं होती पूरी कस के लगाई होती है जो, वो भी मैट में चाह रहे हैं ये। आई डोंट नो कि कैसा जाएगा किरदार के साथ, लेकिन उनका मसला ये है राफी का, वो कह रहे हैं कि ईमान अली से ज्यादा ज्यादा आपको प्यारे लगना है, जो मेरा नहीं ख्याल कि इस जन्म में मुमकिन है। ईमान अली जो है वो बड़ी पसंद है मुझे बहुत ज्यादा। आई थॉट कंटेंट में सिबलिंग राइवलरी हो रही थी, यहाँ तो असल में यहाँ पे हो चुका है कि बादशाह बेगम के जो वो टाइटल है वो किस पे जाना है, तो अभी से वो जंग छिड़ चुकी है। एग्जैक्टली यस, तो वो मेकअप का ये है। मेकअप अगर डिटेल्स आपको जाननी है तो वो यूट्यूब चैनल पे मेरा आप जो है मेकअप ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। मैं उसको या मेकअप में मैं उन्हीं से मुतासर हूँ जिनका ये जिक्र कर रहे हैं।